अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों, अगर 30,000 रुपये के नीचे है, इसके आसपास कहीं पे आपका बजट है एंड यू वांट टू बाय एक अच्छे वाला फ़ोन, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज की डेट में मेरे हिसाब से जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स है मार्केट के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। न्यू के साथ कुछ यूज्ड में भी ऑप्शन अपनी वीडियो के अंदर रखने वाला हूं। तो आई होप कि आप एक अच्छा फ़ोन बाय कर पाओगे इस रेंज के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। 23,500-24,000 रुपए के पास आपको एक अच्छा फोन चाहिए तो फिर आप इन्फिनिक्स हॉट 11S ले सकते हो। ये भी कोई 3.5-4 मंथ पहले ही है, ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है और एक अच्छा फ़ोन है इस सेगमेंट के अंदर। बिकॉज मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे दोस्तों के, कि स्पार्क 8 प्रो ले लें या कैमन 17 ले लें, तो उन दोनों फ़ोन्स को छोड़ो, ये उनसे अच्छा फ़ोन है प्राइस रेंज के अंदर। यहाँ पे आपको पंच होल वाला लेटेस्ट डिस्प्ले भी मिलता है, IPS है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशंस हैं, 90Hz के ऊपर काफ़ी स्मूथ वर्क भी करता है, और उसके अलावा बड़ी बैटरी के साथ चार्जिंग भी है। आप इसको हैवी यूज़ करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। हीलियो G88 का चिपसेट है इसके अंदर, मतलब पबजी खेलनी है तो 40 FPS एक अच्छा गेम प्ले आपको मिल जाएगा। जायरो सॉफ्टवेयर वाला ये देख लेना। अब कुछ ना कुछ चीज़ें तो आगे पीछे होती हैं। कैमरास काइंड ऑफ एवरेज ही होते हैं इस रेंज के अंदर, गुजारा चल जाएगा। ज़्यादा कैमरा को लेके एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा फ़ोन है। इसका मैंने डिटेल में रिव्यू भी किया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसको देख सकते हो। 26 प्राइस है, 23,500-24,000 के अंदर आपको ऑफलाइन मार्केट में पिन पैक ईजिली मिल जाएगा, आप इस फोन को ले सकते हो। और अगर अच्छे कैमरा वाला फ़ोन चाहिए ना आपको 25-26 की रेंज के अंदर, तो फिर नहीं मिलेगा भाई, है ही नहीं, कहाँ से दूँ आपको। बट एक यूज्ड में ऑप्शन मिल जाएगी, रेडमी नोट 10 आप ले सकते हो उसके लिए। 10-11 मंथ पहले आया था, फिर इसको जल्दी बंद कर दिया, मतलब अच्छी चीज़ को ब्रांड जल्दी बंद कर देते हैं। तो बहरहाल जो भी है, यूज्ड में आपको अच्छी कंडीशन में आज भी 25-26 के अंदर ईजिली मिल जाएगा मार्केट से। आप OLX पे देख सकते हो या ऑफलाइन जाके देख सकते हो। OLX पे देखते हुए ज़रा थोड़ा केयरफुल रहा करो, फ्रॉड ज़्यादा चलता है वहाँ पे। मौके पे जाके चीज़ देखी, तसल्ली करके फिर पैसे दिए, एडवांस पेमेंट ना देना, नहीं तो चूना लग जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये जो फ़ोन है 25-26 की रेंज के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले आपको ऑफर करता है, पंच होल वाला, और उसके अलावा बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है, अच्छे कैमरेज हैं फॉर द प्राइस सेगमेंट इसके, डिटेल्स अच्छी आती है। इवन इसका जो सक्सेसर है ना रेडमी नोट 11, उसके मुकाबले में इसके कैमराज अच्छे हैं। और जो MIUI 13 की अपडेट है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12, वो भी अब रोल आउट स्टार्ट हो गया हुआ है रेडमी नोट 10 के लिए। कुछ यूज़र को मिल गई हैं, कुछ को अभी मतलब मिल रही हैं, रास्ते में सीन चल रहा है। और बाकी इसके अंदर आपको मतलब स्नैपड्रैगन 7678 का जो हार्डवेयर मिलता है, डिसेंट यूज़ के लिए अच्छी परफॉर्मेंस आपको मतलब मिल जाएगी। ज़्यादा हैवी लोड डालोगे तो ज़रा उसकी आंखें बाहर रहेंगी, गर्मियों में ज़रा हीट कर सकता है, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस एंड कैमराज के लिए रेडमी नोट 10 को आप ले सकते हो। इसका मैंने डिटेल में रिव्यू भी किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। लेकिन जो रेडमी नोट 10 के यूज़र मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अपना फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा मुझे वीडियो के कॉमेंट्स में। और इस रेंज के अंदर रेडमी नोट 10 के अलावा भी दो और वैल्यू फॉर मनी फोन्स आते हैं, लाइक 24,250 में कैमन 18T और 26,000 रुपये में टेक्नो पोवा 2 आ जाता है। ये भी फोन्स लिए जा सकते हैं, बुरे नहीं हैं, बट मैं बिकॉज कन्फ्यूजन थोड़ी कम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लिमिटेड ऑप्शंस रखी हैं। और अगर आपको 25-26 के अंदर फ़ोन चाहिए, कैमरा अच्छे चाहिए, तो उन दोनों को छोड़ के आप रेडमी नोट 10 को भी ले सकते हो। आपकी प्रेफरेंस है, अगर उन दोनों में से आपने कोई लेना तो वो आपकी चॉइस है। और हाँ, एक और अच्छा फ़ोन 26,250 के अंदर आपको न्यू में पिन पैक मिल जाएगा, फीचर्स अच्छे लेके आता है, डिवाइस इन्फिनिक्स की है नोट 11। अभी ये देखें, इन्फिनिक्स के बारे में ना अक्सर यूज़र कहते हैं कि पता नहीं मतलब क्या घटिया ऑफर, ऐसा नहीं है यार। 2021 में ना इन्फिनिक्स और टेक्नो ने इस सेगमेंट को बड़ी अच्छी ग्रिप बना के रखी। इवन आपके ओप्पो वीवो सब सस्ते हैं, नशे में पड़े हुए हैं, क्या दे रहे हैं 2-3 GB रैम, स्टिल आपको अच्छे हार्डवेयर ऑफर किया है इन्फिनिक्स ने। तो AMOLED डिस्प्ले है, क्वालिटी अच्छी है, ड्यू ड्रॉप नॉच है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे 33 वाट की चार्जिंग भी रखी है बड़ी बैटरी के साथ। तो इन्फिनिक्स की 33 वाट और रेडमी की 33 वाट थोड़ा डिफरेंस तो होता है, लेकिन नंबर है एटलीस्ट यहाँ पे। कैमरा इसको मैं डिसेंट ही कहता हूँ, मतलब मैं इसको कैमरा फ़ोन रेट नहीं करता स्टिल इस सेगमेंट के अंदर। मैंने अपने रिव्यू के अंदर ना जो मैंने किया हुआ चैनल पे, उसमें मैंने सारे कैमरा सैंपल्स फायदा भी दिखाए हुए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, परफॉर्मेंस वाली साइड से भी हीलियो G88 आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। गेमिंग करनी है, पबजी खेलनी है, तो 40 FPS खेल सकते हो, जायरो भी हार्डवेयर वाला इसके अंदर, तो बैटरी वाली साइड से भी सही है, ठीक है।
पे एक अच्छा पैकेज है, आप इस फोन को ले सकते हो। रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो। और 30,000 पे की रेंज के अंदर आपको एक और सॉलिड फोन मिल जाएगा, कैमरा वाली साइड से भी, परफॉर्मेंस वाली साइड से भी एक अच्छा पैकेज है, बट वो यूज्ड में है। डिवाइस है पोको X3 NFC। 2020 के एंड पे ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इसने मार्केट को पकड़ के हिला दिया था पोको ने ना, इसकी प्राइसिंग मतलब फीचर्स के हिसाब से। आजकल के टाइम पे जहाँ पे PTA ने टैक्सेस, गवर्नमेंट ने ड्यूटीज लगा दी इतनी हैवी, पोको खुद हिल गया हुआ, उसको समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये यूज्ड में आपको 27, 28 इवन 29 तक भी अच्छी कंडीशन में मिलता है, तो आप इस फोन को ले सकते हो। 120 हर्ट्ज़ का आपको IPS पैनल मिलता है, काफ़ी स्मूथ है चलने में। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 732G का हार्डवेयर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है फॉर द प्राइस सेगमेंट। और उसके अलावा कैमराज काफ़ी अच्छे हैं इस रेंज के हिसाब से, लाइक 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, फ्रंट सेल्फी 20 मेगापिक्सल की है, परफॉर्मेंस ग्रेट है कैमरा की। और जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड 10 के साथ ये लॉन्च हुआ था और एंड्रॉयड 11 के ऊपर ही अपडेट हो गया हुआ है, तो जो दोस्त मेरे यूज कर रहे हैं पोको X3 NFC वो अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हैं। तो ये है कि यूज्ड में ही आपने OLX पे देख लो जैसे मैंने आपको बताया, या मार्केट जाके देख लो, बट OLX पे चूना ना लगवा लेना, चेक करके बाय करना। तो कुछ वारंटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कंडीशन अच्छी वाली में लिया करो फोन। बैटरी के साथ 30-33 वाट की चार्जिंग है, गेमिंग शेमिंग करनी है वो भी चल जाएगा, कैमरा के चचके भी पूरे हो जाएंगे। तो पोको X3 NFC 27, 28 या फिर 29 में एक अच्छी वर्थ आपको दे सकता है, इसको आप ले सकते हो। तो वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आगे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर 30-32 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर देखें तो 3 वैल्यू फॉर मनी फोन्स आते हैं, इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो, टेक्नो कैमन 18P और इन्फिनिक्स का 0X न्यू। बट इन तीनों में से मुझे एक डिवाइस को चूज करना था बिकॉज मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा आपको, वो है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। आप ले सकते हो, इन माई ओपिनियन एक अच्छा पैकेज है। 120 हर्ट्ज़ का IPS पैनल है, बड़ा डिस्प्ले है, चलने में स्मूथ है, बट ये कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर थोड़ी सी विजिबिलिटी को लेके होती है, लेकिन चल सकता है काम। गेमिंग करनी है अच्छे से करोगे, हीलियो G96 का चिपसेट है, PUBG 40 FPS चल सकती है। रिकॉर्डिंग के साथ खेलोगे तो फिर ज़ाहिर है थोड़े बहुत जिटर्स आएंगे, विदाउट रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके बगैर अच्छा चल जाती है। बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट की चार्जिंग भी है, एक बड़ी सी डिवाइस है। कैमराज काइंड ऑफ मैं इसके एवरेज रेट करता हूँ, कैमरा फोन नहीं इसको कहता, लेकिन डिसेंट कह सकते हो इसके कैमरा को, आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस। तो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो आपको 31-32 के अंदर अगर मिलता है तो आप ये ले सकते हो। अगर आपकी प्रेफरेंस दूसरी दो डिवाइसेज हैं जो मैंने बताई हैं वो भी आप ले सकते हो, वैल्यू आपको वहाँ पे भी अच्छी मिल जाएगी। और मेरी लिस्ट का आखिरी वैल्यू फॉर मनी फोन 32-33 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर मिलेगा, एक अच्छा मल्टीमीडिया पैकेज है, डिवाइस है Redmi Note 11। अब देखिए इस रेंज के अंदर रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, करंट सूरत हाल के हिसाब से प्राइसेस बुरी नहीं है, बस 32-33 में 4128 वाला वेरियंट इसका मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, 90 हर्ट्ज़ वाला एमोलेड है जो इस सेगमेंट के अंदर एक यूनिक पॉइंट है इस फोन का। और उसके अलावा स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं, जो स्नैपड्रैगन 680 का हार्डवेयर है, ये हैवी यूज़ हैवी गेमिंग के लिए नहीं है, लेकिन डे टू डे टास्क अच्छे करवा देगा, वहाँ पर इशू नहीं आता। और उसके अलावा बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट की जो चार्जिंग है ये 0 to 100 एक घंटा 2-3 मिनट में चार्ज कर देती है, मतलब अच्छी स्पीड के साथ काम करती है। ये क्विक चार्ज 3+ को सपोर्ट करती है। और उसके अलावा जो 6 नैनोमीटर का चिपसेट है ना, ये नॉर्मल टू मॉडरेट यूज 1.5 से 2 दिन मेरे निकाल रहा था मेरे यूज में, क्योंकि मैंने इसको रिव्यू किया था, मैं इसको टेस्ट कर रहा था। तो लिंक रिव्यू का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्यादा डिटेल के लिए देख सकते हो। कैमरा डे लाइट फोटोग्राफी के अंदर मैं कहूंगा काइंड ऑफ डिसेंट है, वीडियोग्राफी कैपेबिलिटीज कम है इसके मुकाबले में। रेडमी नोट 10 जो इसका प्रीडिसेसर है ना, उसके कैमरा ज्यादा अच्छे हैं। बहरहाल ये एक अच्छा मल्टीमीडिया पैकेज हो सकता है, इन एंड फील फोन की अच्छी है तो ले सकते हो आप इस फोन को। और ये थे मेरी आज की लिस्ट के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स 30,000 रुपए के नीचे और इसके आसपास की रेंज में, लेकिन मैंने ज्यादा कोशिश किया कंफ्यूज ना करूं आपको, जो मतलब बेस्ट ऑप्शंस है ना मैंने उन्हें पिक किया है। बाकी आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा कि किस फोन को आप बाय करेंगे, और अगर कोई फोन मैंने मिस कर दिया लिस्ट में वो भी आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।